हाय गाइस, सुमन भट्टाचार्य। और इस वीडियो में हम देखेंगे, कुछ योगास डिस्कस करेंगे। एक चार्ट उठा लिया है, ये आज ही का एक चार्ट है। तो देखते हैं, अगर कोई वृश्चिक लग्न में आज जन्मा होगा तो कैसे होगा। फर्स्ट हाउस में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पे जो है, जहाँ पे एस लिखा हुआ है, एसेंडेंट नंबर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 नंबर लिखा हुआ है। तो ये वृश्चिक लग्न का एक चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन रहा है। सैटर्न जाके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, आर लिखा हुआ है सैटर्न के आगे, मतलब रेट्रोग्रेड मोशन में बना हुआ है, ठीक है। अब दो, ये तो एक महापुरुष योगा बना रहा है, जो कि है सासा योगा। क्योंकि सैटर्न जब अपने साइन में एग्जॉल्टेड, अपने एग्जॉल्टेशन में हो या अपने साइन में हो और केंद्र हाउसेज में हो, तो ये आपको एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो कि होता है सासा योगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, तो आफ्टर ट्रबल्स आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस है। यहाँ पे बंदा ओवरवर्कड होने के कारण, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, फोर्थ हाउस में बैठ के 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, अपने फैमिली लाइफ को नेग्लेक्ट कर सकता है, इमोशंस इसके ड्राई हो सकते हैं, ठीक है। सासा योगा थोड़ा क्रुएल्टी भी देता है, और रेट्रोग्रेशन मोशन में है तो थोड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा सकता है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। क्योंकि सैटर्न तो थोड़ा सा कारक है दुख का, तो सैटर्न अपना काम तो करेगा, तो सैटर्न की दशा में ये एक्सपेक्ट कर सकता है। ये बंदा अगर काम अच्छी तरह करे तो ये पॉलिटिकल फील्ड्स में अच्छा कर सकता है, ठीक है। ये लॉ फील्ड्स में भी अच्छा ही कर सकता है, क्योंकि जस्टिस का प्लानट है सैटर्न। ये बंदा कंस्ट्रक्शन फील्ड में अच्छा कर पाएगा, ठीक है, सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है। ये इस बंदे को या इस बंदी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम पे इतना ज़्यादा ना फोकस करे, कि अपने फैमिली को ज़्यादा ध्यान ना दे। अगर फैमिली से ट्रबल आए इस पोजीशन की वजह से, अगर आपके हैप्पीनेस में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फ़ायदा देगा यहाँ पे, ठीक है। हनुमान जी की मंदिर जाइए, सैटरडेज़ ट्यूसडेज़ जितना जाएँ उतना अच्छा, डेली जाएँ, क्या है, कोई गलत काम तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। वृश्चिक लग्न है, लग्न का लॉर्ड भी मार्स है, तो 6th हाउस का लॉर्ड भी, जो कि जॉब रूटीन का वो है, वो भी यहाँ पे मार्स बन रहा है। तो इन सब चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा अगर हनुमान जी की पूजा की जाए यहाँ पे, ठीक है। अब 6th हाउस में हम देख रहे हैं मार्स बैठा हो अपने साइन में, तो काफ़ी कंपिटेटिव बना देता है इस इंडिविजुअल को। एक तो वृश्चिक लग्न है, ठीक है, तो अपने फील्ड में, ये किसी भी मार्स रिलेटेड फील्ड में, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा कर पाएगा, मार्शल आर्ट्स में अच्छा कर पाएगा, इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर पाएगा, किसी भी काम में ये अपने जॉब में इनिशिएटिव ले पाएगा, दमदार इनिशिएटिव ले पाएगा, ठीक है। सैटर्न की दृष्टि दो, यहाँ पे थर्ड दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 6th हाउस में, तो अगेन वर्क रिलेटेड डिलेज, इनको जॉब में डिलेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा सा इसको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अपने पैशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इलिसिट अफेयर से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 7th हाउस, 7th हाउस पे हम देख रहे हैं कि जुपिटर मून है, तो मून यहाँ पे बन जाता है आपका 9th लॉर्ड, तो अच्छा पोजीशन है, जुपिटर के साथ है। जुपिटर यहाँ पे बन जाता है आपका 5th लॉर्ड, दैट इज़ आपके प्रेम के हाउस का लॉर्ड बन जाता है, तो लव का कारण यहाँ पे दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, दैट हैज़ गॉन इनटू द 8th हाउस, ठीक है, इन द साइन ऑफ जेमिनाई। ये डुअल साइन है, तो मून भी बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे डुअल नेचर्ड लड़कियों के चक्कर में ना पड़ा जाए, या शादी करे तो बहुत ध्यान से देख ले। पत्नी मीडिया फील्ड से हो सकती है, पॉपुलर भी हो सकती है, क्योंकि सन के साथ है, ठीक है। और 8th हाउस अपने रिलेशंस को, हिडन रिलेशंस होने के चांसेस बन जाते हैं, तो अगेन इलिसिट रिलेशनशिप्स में ना पड़े, और जितना हो सके वीमेन की रिस्पेक्ट करें, और ज़रूरत पड़े तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और अपने पति से, अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करें। शुक्र शतबला में अच्छे स्ट्रेंथ में है, लेकिन सन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ईगोइस्टिक हो सकती है आपकी पत्नी, ईगो रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसके साथ, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्या देखें, चलो थोड़ा नीचे देखते हैं, AKDK क्या है इसका। अच्छा, दारागर का मून है 7th हाउस में बैठा हुआ है, टॉरस साइन में, ठीक है, कृतिका नक्षत्र। सो कृतिका नक्षत्र के बारे में आप लड़कियों के बारे में पढ़ी हैं, चंद्रमा उस टाइप की
रिलेशनशिप्स आप उस टाइप की लड़कियों के प्रति अट्रैक्टेड होंगे, उस टाइप के रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब और चंद्रमा से हम देख सकते हैं कि सेकंड हाउस में सन और वीनस बैठा है। बेनिफिट अगर चंद्रमा से सेकंड हाउस में हो तो सुनाफा योगा बनाता है, जो कि अच्छा वेल्थ देता है। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन 8th हाउस में वीनस है और सन के साथ ज़्यादा डिग्री क्लोज़ नहीं है, सन से वीनस आमतौर पे बहुत दूर नहीं रहता है, ठीक है। तो सुनाफा योगा तो बन रहा है और लेकिन थोड़ा सा ट्रबलसम भी है, सो वेल्थ आफ्टर ट्रबल्स बोल सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, 9th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड है, विच इज़ गुड पोजिशन इन द 9th हाउस, ठीक है। बट मरकरी ऑल्सो इज़ द 8th लॉर्ड, तो मिक्स रिजल्ट्स देगा यहाँ पे 9th हाउस में मरकरी। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा ट्रबल यहाँ पे कम होता है। 8th हाउस रिलेटेड मैटर्स से आपका लक भी खुलेगा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है। नहीं, 11th हाउस, तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल साइट्स पे बंदा जाए और 8th हाउस रिलेटेड काम करें तो इसका लक खुलेगा। मर्करी इज़ एजुकेशन, जितना एजुकेशन प्राप्त करेगा उतना ग्रोथ होगा। और कैंसर इज़ अ वाटरी साइन, सो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर विल, मतलब स्टडीज़ जो हायर एजुकेशन है। नेपच्यून और राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अगेन डिसेप्शन एंड लव और आइडियलिज्म ज़्यादा हो सकता है। आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप्स नेपच्यून की वजह से भ्रम में पड़ के, ज़्यादा आइडियलिस्टिक होकर अगर प्रेम में पड़ेंगे तो थोड़ा सा डिसेप्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और प्रेम का हाउस है तो नेपच्यून रिलेटेड चीज़ों से या राहु रिलेटेड चीज़ों से इनको बहुत लगाव हो सकता है, तो इल्यूजन से काफ़ी लगाव हो सकता है, तो इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकल की ज़रूरत पड़ेगी इनको, ठीक है। तो नवम सा भी थोड़ा देख लें क्या, एक सेकंड देखते हैं। हो जाए नवम सा वर्गो लगन है, तो यहाँ पे वर्गो लगन नवम सा में थोड़ा सा फैमिली की तरफ कम झुकाव देता है, इंडिविजुअल को थोड़ा मैरिज में क्रिटिकल बना देता है, तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रखना है, थोड़ा ढीला छोड़ना है। लेकिन क्या करें, वर्गो है, अब वर्गो नवम सा में थोड़ा सा उतना अच्छा लगन नहीं है फॉर मैरिज, ठीक है। 7th हाउस में बैठा हुआ है सन, अगेन ईगो रिलेटेड इश्यूज, प्लूटो बैठा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी मैरिज से और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रबल्स मे बी देयर फॉर इन मैरिज बिकॉज ऑफ ईगो इशूज़, ठीक है। और पार्टनर थोड़ा अगेन ईगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है। वीडियो क्लोज़ करते हैं, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आपके ऑब्जर्वेशंस बताइए इसमें, मैं मुझसे शायद कोई गलती हो गई हो, ठीक है। तो अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए।